बैक। आज हम अप्रैल 2024 में नेटफ्लिक्स पर तमाम टॉप नए रिलीज मूवी के बारे में बात करेंगे। हम आज की वीडियो का आगाज महीने की सबसे बड़ी रिलीज फिल्मों और सीरीज से करेंगे जो सबसे ज़्यादा तवज्जा हासिल करती दिखाई देती है। आइए 4 अप्रैल को आने वाली पहली बड़ी रिलीज देखें। इस महीने की पहली बड़ी रिलीज रेले है। ये एक अमेरिकी नफ्सियाती थ्रिलर सीरीज़ है जो 1955 के जराइम के नावल दी टैलेंटेड मिस्टर रेले पर मबनी है। आप इस नाम को पहचान सकते हैं क्योंकि इससे पहले इसे डाला गया था, खास तौर पर 1999 की फिल्म में जिसमें मैय डेमन ने अदाकारी की थी। इस बार 1960 की दहाई में न्यूयॉर्क और इटली में 8 एपिसोड पर मुश्तमिल महदूद सीरीज में डाला जा रहा है। इसमें एंड्रयू स्कॉट का आगाज़ टॉम रेले के तौर पर होता है, जो एक धोखेबाज आदमी है जिसे एक अमीर आदमी ने अपने बेटे को इटली से घर आने पर राज़ी करने के लिए रखा है। ये 4 अप्रैल को रिलीज हो रही है। नेक्स्ट मूवी पैरासाइट द ग्रे है। ये एक कोरियन साइंस फिक्शन हॉरर सीरीज है जिसके डायरेक्टर और को राइटर योसुन हुना की है, जिसे देखने की तरबियत दी गई। पैरासाइट द ग्रे नामालूम पुरजियों के बारे में है जो आखिरकार इंसानी मेज़बानों पर कब्जा कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो ताकत हासिल करते हैं और इंसानियत के लिए ख़तरा बन जाते हैं। पैरासाइट द ग्रे जापानी मैंगा सीरीज़ पर मबनी है और ट्रेलर में मुझे वो चीज़ दिखाई गई जहां आप नहीं जानते कि कौन पहले ही तब्दील हो चुका है और कौन अब भी इंसान है। हम उसे 5 अप्रैल को चेक कर सकते हैं। उसी दिन रिलीज़ होने वाली फ़िल्म स्कोप भी है। ये एक बरतानवी बायोपिक फ़िल्म है जो एक ड्रामी तौर पर दोबारा बयान करती है कि किस तरह BBC ने प्रिंस एंड्रयू के साथ जेफरी एनस्टन के साथ इसकी दोस्ती के बारे में हमशेल इंटरव्यू हासिल किया। ये फ़िल्म इन वाक़यात से मुतासिर है जिनकी वजह से स्कोप ऑफ द डे कहा जाता है, जैसा कि सितारे हमेशा बेहतरीन होते हैं। फिर 11 तारीख को बेबी रनियर है। ये एक बरतानवी ड्रामा सीरीज है जो एक कॉमेडियन रिचर्ड गेट की पैरवी करती है, जिसका अपना ताकुब करने वाले के साथ अजीबोगरीब रिश्ता है जो इन दोनों की ज़िंदगी को तबाह करने की धमकी देता है। गेट ने खुद इस सीरीज़ में सितारों में लिखा है कि उसे प्रोडक्शन कंपनी ने सीरीज किंग वर्ल्ड के अहतमाम के तौर पर तहकीक किया गया था। अगला नेक्स्ट मूवी रेबल मून पार्ट 2 है। जिंदा बच जाने वाले जंगजुओं में कोरा की पैरवी करता है, जो अपने नए घर को इसके लोगों के साथ मिलकर सल्तनत के खिलाफ दफा करने की तैयारी करते हैं। ये फ़िल्म किसी ज़माने में बड़े पैमाने पर रिलीज़ होती है, लेकिन हम सब ने पहले फ़िल्म देखी। मुझे यकीन है कि वहाँ कुछ लोग मौजूद हैं जिन्होंने वाकई ये हिस्सा इससे लुत्फ़अंदोज़ किया। ज़ाती तौर पर मैंने सोचा कि ये ठीक है, ये जारी रहने के दौरान दिल लगी थी, लेकिन बहुत ज़्यादा नाखुश थी। क्या मैं हिस्सा 2 देख रहा हूँ? हाँ, मुझे यकीन है कि मैं अकेला नहीं हूँ कि ये पहले से बेहतर होगा। मुझे शक है, लेकिन मैं इससे मौका देने को तैयार हूँ। 3 अप्रैल को रिलीज होगी, ये सबसे बड़ी रिलीज है दी। अब आइए तेज़ी से मज़ीद अनएक्सपेक्टेड फाइल के ज़रिए जाते हैं, जिसके लिए गैर अनएक्सपेक्टेड फाइल शुरू होने वाली काफ़ी चीज़ें हैं। इस किस्म की एक जदीद गैर हलशुदा इसरार या साबका फाइलों की किस्म की दस्तावेज़ी सीरीज की तरफ नज़र आती है, जो अजीबो गरीब चीज़ों की तहकीकात करती है। ये 3 अप्रैल को रिलीज़ होगी। और 4 आंसू स्मिथ है, जो डेविन नोफिट की हवा पर मबनी एक अल्तावी रोमानवी फिल्म है। फिर 10 तारीख को फ्लाइट 601 का अगवा होता है, कोलम्बिया की एक सियासी सनसनी खेज फिल्म जो हकीकी वाकियात पर मबनी है। इसके अलावा वह 10 तारीख को एक फ्रांसीसी क्राइम थ्रिलर सीरीज़ है जिसे एंथ्रोस कहते हैं। ये दरअसल बहुत अच्छा लगता है और मैं इसका मज़ीद अहाता करना चाहता था, लेकिन मुझे इसके बारे में बहुत सी तफसीलात तलाश करने में पिछले मनसब ने तबसरा किया कि वो 3 बॉडी प्रॉब्लम का सबसे ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हैं। ठीक है, आपने इसके बारे में क्या सोचा और आप इस महीने में किस चीज़ का सबसे ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हैं? और एक बात, अगर आपको ये वीडियो मददगार लगी तो लाइक बटन हासिल करें और इस वीडियो को मज़ीद लोगों तक फैलाने में मेरी मदद करें। एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जल्दी आपसे मिलूँगा।